यानी 25 मई अपने आप में बहुत ऐतिहासिक दिन है। उस दिन आजमगढ़ के लोगों के हाथ में यह हक और अधिकार होगा कि जो लोग 10 सालों से हम लोगों का शोषण कर रहे, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री जी है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कल मुझे एक पत्रकार मिली, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने कभी हिंदू मुसलमान किया हो तो मैं रानी से संन्यास ले लूंगा। परसों गंगा के तट पर प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया। हम लोगों में यह मानता है कि गंगा जी के तट तो बहुत बड़ी चीज है, गंगा की तरफ देख के भी हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यह मान्यता है हम लोगों में। लेकिन गंगा में खड़े होकर भी प्रधानमंत्री जी कहते हम कभी मुसलमान भाइयों के खिलाफ ही नहीं बोले, और आज फिर निजामाबाद की मीटिंग में बोल के गए। ये तो प्रधानमंत्री की बात का वजन पूरी तरह से देश में खत्म हो गया है। राष्ट्रवाद के नाम पर तमाम मुद्दों पर जो बीजेपी के लोगों ने गुमराह किया है, देश को शोषण किया, अन्याय किया है, लोगों को पीछे किया है, उन सभी चीजों को सूद सहित उनका बदला लेने का समय 25 तारीख को आ रहा है साथियों। और इस 25 तारीख को आपसे अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है, इंडिया गठबंधन की सरकार बना देना। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर मान के चलना, निश्चित तौर पर मान के चलना मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जितनी भी आपकी समस्याएं सबका समाधान इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में है मेरे साथियों। साथियों, किसानों का कर्ज माफ कराएंगे। बीजेपी ने 16 लाख और धन्ना सेठों का कर्ज माफ किया है। जो हमारे देश के सबसे बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनका कर्ज माफ किया है। लेकिन जब आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल जी को मौका मिलेगा तो हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ होगा। ये अंतर होगा दोनों लोगों में। किसानों की फसलों को मूल्य मिले उसके लिए कानून बनाएंगे, कानूनी अधिकार देंगे, 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिलाएंगे। नौजवानों, आपको 6 महीने के भीतर जून में सरकार गठित होगी और दिसंबर से पहले 6 महीने के भीतर दिल्ली सरकार के जितने भी खाली पद हैं सारे पदों पर अपने नौजवानों की भर्ती कराने का काम करेंगे। और हम लोगों की जो भर्ती होगी उसकी परीक्षा लीक नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, ना परीक्षा निरस्त होगी। ये बीजेपी की हर भर्ती में पेपर लीक, परीक्षा निरस्त, ये सब नहीं है कि नौजवानों को रोजगार दे। और इसलिए थोड़ी सरकार कर रही है पेपर लीक। अग्निवीर की योजना, मेरे नौजवान भाइयों जो फौज में जाने का शौक रखते हैं, आपको 4 साल के लिए नहीं, एक बार भर्ती हो गए तो पूरा जीवन फिर आपको चिंता नहीं रहेगी अपने परिवार और भविष्य की। उस योजना को, अग्निवीर की योजना जो 4 साल की, उसको खत्म कराएंगे। हमारी गरीब माताएं बहने 3,000 रुपए महीने के हिसाब से अपनी माता बहनों को पेंशन देने का भी काम समाजवादी पार्टी और अभियोग करेंगे। इसी तरह से जितने हमारे पुराने कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी पेंशन, पुरानी पेंशन भर कराएंगे। हम अपने जितने भी समुदाय कर्मी हैं उन कर्मियों को भी स्थायी नौकरी दिलाने का काम करेंगे साथियों। और बच्चियों के लिए तो ये क्या बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं और बेटियों की बातें कर रहे हैं। अपनी बच्चियों के लिए नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी पूरी शिक्षा को मुफ्त करने का काम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी और हमारा इंडिया गठबंधन और माननीय राहुल गांधी जी मिलकर करेंगे। तो बताओ उस बात जिताओगे, मेरे वोटों से नहीं जिताओगे। नफीस भाई की तो रिश्तेदारी में एक वादा कर दिया है क्षेत्र में घूम घूम के,
और जिले में भी कह दिया है पूरे पांचों विधायकों की बैठक में कि सरे बड़ी जी लालपुर से जिताएंगे। बताओ इनका मान बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? सबसे बड़े वेतन जिताएंगे बेकार वालों। बहुत बहुत धन्यवाद।